Hello learners, I hope you guys are doing good. Myself educator Girish Agarwal, यहाँ पे बहुत ही exciting सा video लेकर आ रहा हूँ student demand. ये video on Zomato. Yes guys, और बहुत ही ज़्यादा trendy IPO जो भी market में चल रहा है आज Zomato IPO. तो Zomato IPO को समझने से पहले मैं चाहता था कि मैं बच्चों को बताऊँ कि Zomato company क्या करती है. ये Zomato कंपनी आज एक दो साल नहीं हुए, Zomato को लगभग 13 इयर्स हो चुके अपनी कंपनी को बनाते हुए. Zomato की स्थापना की थी दो जन ने जिनका नाम था दीपेंद्र गोयल सर एंड पंकज चड्डा सर, जिनने Zomato ये सोच के बनाया था कि जब वो एक रेस्टोरेंट में डिनर लंच करने गए तो उनको रियलाइज़ हुआ कि रेस्टोरेंट में बहुत वेटिंग लगती है, टाइम लगता है. तो दे बिल्ड अप अ ऐप जिसका नाम था फूडी बे. और ये ऐप का इनिशियली काम सिर्फ इतना सा था कि लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि रेस्टोरेंट कहाँ पे है, क्या चीज़ें मिलती है, क्या प्राइजेज है, कितने बजे ओपनिंग होता है, ये सारी चीज़, दैट्स इट. बट फिर धीरे धीरे उनको एक चीज़ रियलाइज़ होने लगी, सबसे पहले कि यार फूडी बे नाम थोड़ा सा वियर्ड सा है. तो दे चेंज देयर नेम टू Zomato. बट जब Zomato किया गया तो आप सबके दिमाग में सही जा रहा है, क्या Zomato टोमेटो से, टमाटर वर्ड से निकला हुआ है? यस गाइस, वो वहाँ से निकला हुआ है, इसलिए कहीं ना कहीं रिजेंबल करता है. और दूसरा, आप देख भी सकते हो कि Zomato के ऐप में रेड कलर का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है. Zomato का आप ऐप ओपन करते हो तो यू सी रेड कलर्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है. अब इसके बाद कई लोग बोलते हैं, सर क्या Zomato से फूड डिलीवरी का काम करता है? नहीं, Zomato की मेजर इनकम, यस गाइस, फूड डिलीवरी है. बट उसके अलावा बहुत और इनकम है कि वो रेस्टोरेंट्स को रेटिंग करता है, वहाँ पे पेड प्रमोशन होता है. आप जबकि Zomato आप देखते हो तो वहाँ पे दिखता है कि कोई रेस्टोरेंट्स आपको ट्रेंडी में दिखता है, तो वो पेड प्रमोशंस होता है रेस्टोरेंट्स के, वो जिससे Zomato कमाता है. दूसरा, एक जो Zomato की एक और कमाई है वो है Zomato गोल्ड मेंबरशिप. अब आप चाहो तो आप देखते होंगे कि आप गोल्ड मेंबरशिप ले लीजिए, आपको रेस्टोरेंट में 10% off, 5% off, एक वो. एक और है कि Zomato में आजकल टेबल रिजर्वेशन का बहुत एक सिस्टम स्टार्ट हुआ है कि Zomato हेल्प्स यू इन रिजर्विंग द टेबल. और अब Zomato का एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट नया बिजनेस जो अभी आंखों के सामने आ रहा है वो है B2B. Zomato अब दूसरे रेस्टोरेंट्स वालों को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है कि जो उनको खाने बनाने वगैरह में काम करे. और गाइस, Zomato की एक बहुत बड़ी डील चल रही है. Zomato इज प्लानिंग टू एक्वायर ग्रोफर्स. ये ग्रोफर्स हमें पता है कि ऑनलाइन में एक बहुत बड़ी कंपनी है रिगार्डिंग दिस ग्रॉसरी डिलीवरी. तो ये बहुत बड़ी कंपनी का एक्वायर करने पे है. ये कंपटीशन एक्ट के कुछ एक उसको अप्रूवल चाहिए, उसके मिलने के बाद शायद है कि मर्जर हो. तो ये सारी चीज़ें थी Zomato के बारे में. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. और मैं आपको बताता हूँ, मैं Zomato के रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ आगे की वीडियो में. स्टे ट्यून्ड फॉर Part-2. थैंक यू गाइस.